हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, प्रदेश के सामान्य मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बहुत सारी चीजों की प्रेजेंटेशन और समीक्षा की गई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है लिए गए हैं। एचआरटीसी ने तय किया है कि सारे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में, जिसमें पंजाब ने भी अपनी बसों का किराए बढ़ाए हैं, उत्तराखंड ने तो बहुत अधिक जो है वो बढ़ाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी आज जो है वो बसेस कोविड के कारण जो है 33% से अधिक जो है नहीं चल पा रही हैं, डीजल के रेट भी बढ़े हैं, तो इसलिए जो है वो 25% किराए में वृद्धि करने की जो है इजाजत एचआरटीसी को और ट्रांसपोर्ट विभाग को दी गई है। हालांकि मंत्रिमंडल जो है वो इस प्रकार की जो है ये बढ़ोतरी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पास पड़ोस के सभी प्रदेशों ने हिमाचल प्रदेश से ज्यादा बढ़ोतरियां की हैं और यहां पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स भी एचआरटीसी की बसें थी जो आज की कैपेसिटी में चल रही हैं, उसका एक हफ्ते में 5 करोड़ का जो है वो घाटे में चल रही हैं। तो इसलिए सब इस बर्डन को जो है उठाएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो है वो उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है, इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा बर्डन सबके ऊपर रहेगा एक समान हिल और निचले एरिया में, तो उसका जो है वो निर्णय लिया गया है। मंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमपीज और एमएलएज जो सीटिंग हैं, उनकी हिमाचल प्रदेश रोडवेज एचआरटीसी की बसों में जो फ्री ट्रेवल फैसिलिटी प्राप्त थी वो समाप्त कर दी गई है।